नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए बाय इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है और इस बार मुकाबला जेडीयू और बीजेपी में है। बता दें कि पलटी मारने के बाद पहली बार नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरे हैं और बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा कम हुआ है और जो आरजेडी के वोटर हैं वो जेडीयू में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए नीतीश के चुनाव लड़ने की वजह से बीजेपी कुढ़नी में मजबूत हो गई है और कुढ़नी में जीत की राह बीजेपी के लिए आसान हो गई है। बीजेपी के इस आरोप के बाद जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। उसका कारण है कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब जगह जनता के द्वारा वो नकारे जा चुके हैं। वो जैसे वृक्ष पर अमरलती की जीवित रहता है, उसी तरह से कभी वो एनडीए के सपोर्ट से खड़े रहते हैं और कभी राजद के सपोर्ट से खड़े रहते हैं। उनकी अपनी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है बिहार के जनता के बीच में, बिहार की राजनीति में। और कुढ़नी उपचुनाव में आप देख लीजिए, वहाँ पर अगर राजद से चुनाव डायरेक्ट होता भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दिक्कत भी होती। इनको तो यहाँ पर सीधा मुख्यमंत्री जी से जो मुकाबला है, मुख्यमंत्री जी चुनाव हार चुके हैं। उसका कारण है कि वो बिहार में अब राजद के वोट पर हैं। मुसलमान उनको वोट क्यों देगा, उनको ज़्यादा वोट क्यों देगा। वो तो लालू जी को कभी जेल भिजवाने वाले हैं, कभी शहाबुद्दीन जी को प्रताड़ित कराने वाले हैं, कभी आनंद मोहन जी को जेल में डलवाने वाले हैं। बिहार के राजनीति से उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। वो बिहार में विकास के लिए अब नहीं जाने जाते हैं, अब अविश्वास के लिए जाने जाते हैं, विनाश के लिए जाने जाते हैं, बिहार को जंगल राज में झोंकने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में अब उनका औचित्य समाप्त हो गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। भाजपा के लोग इस बात को जानते हैं कि महागठबंधन के कुंबे के सामने ये लोग कहीं टिकने नहीं वाले हैं। उपचुनाव की बात कर ले या किसी भी चुनाव की बात कर ले, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जनता अपना आशीर्वाद इनके उम्मीदवार को कभी नहीं देगी। कुढ़नी में हो रहे उपचुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड का महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार ही जीतेगा और इन लोगों को हार का ही सामना करना पड़ेगा। इससे बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने से पहले इनको याद करना चाहिए, इतने वर्षों तक भाजपा उनकी पिछलग्गू बनकर ही रही। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही ये लोग सत्ता में आए हैं। इनके पास नीतीश कुमार जी के टक्कर का कोई चेहरा दूर दूर तक नहीं है और ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। खैर, अपनी बौखलाहट में कुछ भी कह ले, जनता इनके असली चेहरे को जान चुकी है। बता दें कि कुढ़नी विधानसभा सीट नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। एक ओर तो अगर नीतीश कुमार इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं तो एक बार फिर से नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि मजबूत होगी। ऐसा लगेगा कि अब भी बिहार की जनता को नीतीश पर भरोसा है। साथ ही अगर जेडीयू जीतती है तो जनता के मुहर भी नीतीश की तेजस्वी से हाथ मिलाने वाली पलटी पर लग जाएगी और माना जाएगा कि जनता ने भी तेजस्वी और नीतीश के गठबंधन को स्वीकार कर लिया है। वहीं अगर दूसरी ओर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी एक बार फिर से बढ़े आत्मविश्वास के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावी रण में आरजेडी और जेडीयू को टक्कर देती नजर आएगी। खैर, नतीजे क्या कुछ होंगे उसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कुढ़नी के अग्नि पथ पर चलते हुए नीतीश कुमार की साख जो है वो बचेगी या उनकी छवि राख हो जाएगी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।